दिशा, इस शो पर हम ही गेस्ट है और हम ही होस्ट है। या दिस इज एमटीवी बीच, तेरी मेरी बातें, जहां सिर्फ हम दोनों ही हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, आप दोनों जानती हैं एमटीवी बीच तेरी मेरी बातें को लॉन्च करने वाला गेस्ट और होस्ट का नाम क्या है? एनी गेसेस? मी अर्जुन कपूर, और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है हमारे फिल्म एक विलन रिटर्न्स के डायरेक्टर मोहित सूरी। Exactly. So for the first time on MTV Beats, तेरी मेरी बातें आज यहाँ सिर्फ दो गेस्ट और होस्ट नहीं है, बल्कि दो गेस्ट और होस्ट की जोड़ी है। क्या बात? जैसे हमारे फिल्म में दो जोड़ियाँ। इम्प्रोवाइज करने बोला था। Oh, sorry. ये लाइटें चेंज कर रहे हैं सर। तो चलिए शुरू करते हैं MTV Beats का ये यूनिक शो जिसका नाम है तेरी मेरी बातें विद द टीम ऑफ एक विलन रिटर्न। तेरी मेरी बातें की फर्स्ट सेगमेंट का नाम है जानकारी। इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देंगे जिससे आपको हमारे बारे में और हमारी फिल्म एक विलन रिटर्न्स के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वन साइडेड लवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कीप गोइंग। कभी तो सक्सेसफुल हो गए। यू गाइस हैव एनी पेट नेम्स, निकनेम्स? या विशु। क्यूट दिशा। क्यूट, योर पेट नेम इज नो क्यूट। मेरा बहुत अच्छा लगा। क्यूट सुतारिया। माइन इज ताराबू। एवरीवन एट होम कॉल्स मी ताराबू। निकनेम का मतलब होता है कि छोटा होना चाहिए। ये बड़ा कैसे हो रहा है? क्यूट नाउ। आपकी एक विलेन आदत जो आप चेंज करना चाहते हो? आई थिंक सोने से पहले इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना। वो हम सब चेंज करते हैं। हां, दैट्स अ गुड वन। Because so I don't sleep after I start scrolling. It just keeps going. Very easy solution. Yeah. Delete kar do. Best solution. Villain or hero, who attracts you more? Abhi idhar mere saamne hero bolne wale kya log? Aur hamari picture ka naam hai villain, to hero to bol nahi sakte. Villain. I'll be honest, I think for most girls, the villain, no? Bad boys. Basically. I like good boys though. Yeah. Well-behaved villain. No, she likes good boys. She wants to be the villain actually. I am the bad one. Okay, to Arjun. Yes. डर या प्यार की वजह से आपने क्या क्या बुरी चीजें की है? यार पता नहीं। Oh my God, Arjun Kapoor is speechless, guys. मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बुरी चीजें नहीं करता, इसलिए तो मैं कैरेक्टर बुरा प्ले करता हूँ। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने कुछ ऐसा बुरा किया नहीं। मोहित सर, योर फेवरेट डिश? या ब्लैक दाल, इट्स द बेस्ट थिंग। मार दे पर मैं उठता रहूंगा। आखिरी सर, आपने लाइफ में ऐसा कब किया है? हर बार। I think that line at some level works for me very organically because in a very strange sort of way I've always had a roller coaster life, you know, but you don't give up and that's the point. You life will hit you, you will get the punches, but there are 10 rounds in a boxing match also, na? So the point is to just keep getting up and you'll get your one shot. So now it's time to share an interesting story, guys. Kyunki next segment on MTV Beats Teri Meri Baate is called Pick Story. इस सेगमेंट में हम सब अपने फोन से दिखाएंगे एक पिक्चर और बताएंगे उस पिक्चर के पीछे की कहानी। लेट्स गो। मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था और इसमें एक्चुअली कोई एक्टर है नहीं, इसमें सिर्फ क्रू है। इसीलिए इम्पोर्टेंट। नो, दिस वाज़ द फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड व्हाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि दो साल से मैं, मेरे राइटर, मेरे प्रोड्यूसर इस पे काम कर रहे थे एंड देन आफ्टर दैट COVID-19 हिट that thing, so we had to wait for one more year. So this was one of the most memorable moments in this film. So it's on focus. You know, there are products. Oh, really? Yeah. So this is a place near Nasik, but Bandar Dara. Bandar? Correct. Dara. Bandar Dara. Bandar Dara. यहाँ पे we shot one of our songs and it was really magical and beautiful. But the journey wasn't. इस location तक जाने के लिए we took at least 1.5 hours or so. And then one and a half hour was like tick 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 tick, and हमारे को तो मतलब वो गड्ढे नहीं थे, वो पता नहीं, वो ऐसा ये स्पेसशिप आके रुकी है, वो इतने बड़े गड्ढे थे। So it was fun and we had a great time. तो ये मेरे लिए बहुत ही खास और memorable picture है because it's a very interesting scene and moment हमारे trailer में भी और film में भी. It's open to interpretation when you watch it. It's a very slick and sexy part of the film. This whole segment of the film is my personal favorite part of the film.
And this moment actually where Disha and I are together, we're very rarely together in the film, but when we are, kafi dhamakedar hai. And I think that we used this, a little bit of this shot in the trailer, and everybody has been talking about it. So I think for me, it was an unexpected shot, unexpected moment, wasn't planned. But now that it's happened, it's just become one of the most exciting talking points for us in the trailer. So this is the image that, for me, I guess I really like. I didn't show you guys the image, but it's actually a very nice image, because ye aisi photo hai jo aapke office mein ya ghar pe, you'll put up a photo like this in black and white as a memory, because you have perhaps in our film's case, three of us needed to have synergy in a very short period of time. And I think it was one of the few days where Mohit really was able to just watch us in silences, which was a rarity for us. So it was a very calm. Arjun in silence is actually very rare. Exactly. So वो बहुत अच्छी बात थी मोहित के लिए और पूरे यूनिट के लिए कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था. And it's a moment where you know कि यार something is clicking right with with the people who are working together. Yeah. MTV Beat तेरी मेरी बातें, पर अब टाइम है बड़े ही इंटरेस्टिंग गेम का, because this segment is called खेल खेल में. आज के खेल का नाम है ए विलन गेम, या एक बोल है जिसमें चार चिट्स है, दो चिट्स है ब्लैंक्स, जबकि एक चिट पर लिखा है हीरो और एक पर लिखा है विलन. जिसके पास भी आएगी हीरो की चिट, उसको पता लगाना है कि विलन कौन है. अगर हीरो ने सही गैस किया तो वो बन जाएगा इस राउंड का विनर. अगर गलत बताया तो विलन होगा विनर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, कौन उठेगा पहले? उठा दिया. मैं विलन बनना चाहता था लेकिन मैं हीरो हूँ इस कहानी का. I have to guess which out of three of you, which is. If you get a blank, you don't know who the other person is. Yeah, you guys, yeah, nobody knows. Only the person who's the villain knows who's the villain. So Tara is the villain. Alas, you are wrong. अरे, so that means you were the. This is. How did you know? I'm very bad at this. Disha definitely was not the villain. That was confirmed. Because she was still trying to understand the game. So I know. टाइम है शो के बेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल सेगमेंट का, एमटीवी बीच तेरी मेरी बातें का सबसे शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट सेगमेंट. लेट्स टेक सम सेल्फीज बिकॉज़ इट्स सेल्फी टाइम. वाओ. So guys, this was Team Ek Villain Returns on MTV Beats, तेरी मेरी बातें. I hope आप लोगों को हमारी बातें सुनकर मजा आया. हमारी फिल्म Ek Villain Returns जरूर देखिए, और भी मजेदार बातों के लिए देखते रहिए तेरी मेरी बातें, only on our favorite music channel MTV Beats. Blood में है beats. Blood में है beats. All together. I thought मैंने अपना करके बोला मेरा काम हो गया. Blood में beats. Blood में.